मॉर्निंग, मैं उठ चुकी हूँ। अभी बज रहे 6:30। आज मैं जल्दी उठ गई थी, 5 बजे उठ गई थी। कहीं जाना है बाहर तो वॉशिंग मशीन लोड होने के लिए रख दी है, दिया बाती मैंने कर लिया है। अब मैं अपने पौधों में पानी डालने जा रही हूँ, फिर मुझे बनाना है खाना, तो चलते पानी डाल देते हैं पौधे में। मैं आ गई हूँ बाहर पौधों में पानी डालने, बहुत ही मस्त ठंडा ठंडा माहौल है। हम दे देते हैं अपने पौधों में पानी। आज मेरा योगा नहीं हुआ है, तो अभी 3-4 राउंड लगाऊंगी, फिर बना रही हूँ खाना। आज मुझे जाना है बाहर, तो मैं 3-4 राउंड लगा लूँगी ऐसे ही। कुछ मैंने योगा वोगा नहीं किया है। बहुत ही मस्त माहौल है ठंडा ठंडा, तो कर लेते हैं यहाँ पे वॉक। ज़्यादा नहीं करूँगी, 3-4 राउंड ही लगाऊँगी, फिर खाना बनाना है। कल ग्लास भर के मैंने पानी में वो डाली रखी थी ना, बिल्कुल ऐसे ही फ्रेश दिख रही है। मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसे ही एकदम फ्रेश फ्रेश लग रही है ना, ऐसे ही पड़ी है। ये सब्जियाँ मैंने कर ली थी जो मुझे फ्रिज में रखनी है, यहाँ पे रख दी है। अब मैं खा लेती हूँ बादाम, उसके बाद मैं रखूँगी फ्रिज में, उसको खा लेंगे। मैं हो चुकी हूँ रेडी, अब थोड़ी देर में ही निकलेंगे हम। तब तक ये मेरा वॉच है, उसको मैं चार्ज पे लगा देती हूँ। मैंने ना मेरे हेयर स्टाइल चेंज कर लिए, मुझे लग रहा था कि वो वाला अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इस तरह से बाल बना लिए है। मैं जा रही हूँ और एक हाथ में मेरा वॉलेट है और ये मैंने ले लिया है पानी। आए हैं यहाँ पे मंदिर, ये छोटा सा गांव है, वहाँ पे मंदिर दर्शन करने के लिए आए हैं। और ये मुझे मिला है मोर का पंख, सॉरी ढेल का पंख। मोर भी है यहाँ पे, सुबह सुबह में आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मोर और ढेल मिलते हैं देखने को। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है, बहुत मोर बोलने की आवाज़ आ रही है। मैं कैप्चर करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जब कैमरा ऑन करती हूँ तो मोर बोलना बंद हो जाता है, कैमरा बंद करती हूँ तो वो चालू हो जाता है। मुझे लगा मैं कैप्चर करूँ, लेकिन हो ही नहीं रहा है। आखिर मोर बोलने की आवाज़ कैप्चर कर ही लिए, आप आगे की क्लिप में ज़रूर सुनिएगा, उसमें सुनाई दे रहा है। तो अब आ चुके हैं हम शिव जी के मंदिर। इस मंदिर का नाम है भुअल चावड़ा और इस मंदिर की मान्यता है कि ये स्तंभ जो आप देख रहे हैं, आप जितनी बार गिनोगे उतनी बार उसकी अलग अलग संख्या होगी। तो ये बरसों पुराना मंदिर हो और बीच में से वो थोड़ा सा भूकंप में गिर गया है, और इस मंदिर की यही मान्यता है। लोग कहाँ कहाँ से दर्शन करते हैं आते हैं, और ये कच्छ का बहुत ही छोटे से गाँव का मंदिर है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मैं आ चुकी हूँ वापस, दोपहर को आने वाले थे लेकिन प्रोग्राम ही पलट गया, हम आए शाम को। अभी आकर फ्रेश हुई हूँ, कपड़े चेंज कर दिए, अब जाऊंगी किचन में। तो चलो आज बना लेती हूँ पुलाव, तो रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, तो चलते हैं किचन में। सारे वेजिटेबल्स कट कर दिए हैं, टोमेटो बीन्स ओनियन टोमेटो सब वेजिटेबल्स कट कर दिए। और ले लिया है तेल, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने डाला है चक्री फूल, लविंग, तज, हल्दी एंड हींग। उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर डाल दूंगी कड़ी लीव्स। कड़ी लीव्स डालने के बाद हम डालेंगे यहाँ पर ओनियन और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और साथ में मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिली, आप आपके स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, तीखा कम याद कर सकते हैं। और साथ में मैंने
बीन्स गोभी और पोटैटो सब डाल दिया है, उसको हम कर लेंगे अच्छे से फ्राई। साथ में थोड़ा डाल दिया है नमक, उसको अच्छे से फ्राई करने के लिए ढक कर रख देंगे और साथ साथ में पलट लेंगे। अब पक चुका है तो हम साथ में डाल देंगे टोमेटो, फिर उसको भी हम थोड़ी देर पकने के लिए रखेंगे। जब टोमेटो सॉफ्ट हो जाएगा तब हम मसाला करेंगे, डालेंगे थोड़े सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और लास्ट में गरम मसाला। फिर उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में डालेंगे हम अपना राइस। मैंने पहले उबाल कर रख दिया था ताकि सॉफ्ट और खिले खिले बने, तो मैंने पहले उबाल कर साइड में रख दिया था। तो अब डालकर उसको हल्के हाथों से पलटते रहे तो हमारा पुलाव बनकर रेडी है। तो आपको कैसा लगा मेरा पुलाव? तो पुलाव बन चुका है, आप भी एक बार जरूर बना, बहुत ही टेस्टी लगता है। जिस हिसाब से मेरे घर में पसंद है मैंने उस हिसाब से बनाया है। आप ये मत कहना कि इस तरह से पुलाव नहीं बनते, जो हमारे घर में पसंद है मैंने उस हिसाब से बनाया है, लेकिन आप ट्राई जरूर करना, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और आज का व्लॉग हम यहीं पूरा करते हैं, आज का व्लॉग इतना ही, मिलते हैं कल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।